और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया। राजधानी में एक कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूलने के मामले में पुलिस ने डेंटल की छात्रा प्रीति तिवारी को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हनी ट्रैप का बड़ा मामला उजागर हुआ है। कारोबारी को ठगने के आरोप में डेंटल छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। 50 लाख की रकम लेते ये आरोपी पकड़ी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हनी ट्रैप में लगातार नए नए मामले रोज उजागर हो रहे हैं। इसी के साथ ही वहीं सनसनीखेज एक और मामला सामने आया। राजधानी में एक कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूलने के मामले में पुलिस ने डेंटल की छात्रा प्रीति तिवारी को गिरफ्तार किया। 50 लाख रुपए की डिलीवरी देते हुए सतना रेलवे क्रॉसिंग के पास सिविल वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने आरोपी युवती प्रीति तिवारी को दबोचा है। प्रीति ने न कारोबारी से करीब 1,68,51,000 रुपए वसूल कर चुकी है। पुलिस ने युवती के मंगेतर रिंकी शर्मा और रिंकू समेत युवती के 4 गुर्दों की तलाश अभी कर रही है। आरोपी ने पीड़ित कारोबारी की चेतना का छीन कर रखी अपने कब्जे में। वहीं युवती के भोपाल और दिल्ली में करेक्शन सामने आए। लगातार आपको खबर बता रहे हैं हनी ट्रैप मामले से जुड़ी हुई, और फिर अब एक और नया मामला उजागर हुआ है। कारोबारी प्रीति के साथ संबंध है, उससे पैसे लिए गए ये डॉक्टर छात्रा को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में हनी ट्रैप का मामला जो है उजागर हुआ। कारोबारी को ठगने के आरोप में छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। 50 लाख की रकम लेते ये आरोपी पकड़ी गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, लगातार हम देख रहे हैं हनी ट्रैप में नए नए मामले उजागर होते हैं नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते से भी ज्यादा बीत चुका है और अब एक नया छात्र मामला हम यहाँ पर देख रहे हैं। डॉक्टर छात्रा जो है वो पकड़ी गई है, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या क्या चीजें उसमें सामने आई हैं? इस मामले का धंधा हुआ था। इस पूरे मामले में रहा कागर उन्होंने पंडित समय में एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज के बाहर है। वर्ष 2012 में फेसबुक के जरिए जो किसी तिवारी नाम की युवती है उसके साथ की हुई, और उसके बाद धीरे धीरे वो युवती है वो कारोबारी की रणवीर संस्था को लगातार हिफाजत देने लगी। उसके बाद कारोबारी का हेमंत, हेमंत हम आपसे ये समझ जाएंगे पहले ये शिकायत किसने की है और कारोबारी का इस पर क्या कुछ कहना है अभी। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि पूरे मामले की जो शिकायत है वो पिछले साल में ही दर्ज कराई है, क्योंकि वो काफी आहत हो गए थे। लगातार उन पर दबाव बन रहा था और जो यूपी है प्रीति तिवारी वो लगातार उन पर दबाव बना रही थी। उन्होंने पीठ पे ये कहा था कि वो उनके साथ बार बार वो मना करते रहे, इतना दबाव कारोबारी से युवती ने वसूल किए हैं। चलिए चलिए, आप लगातार नजरें बनाए रखिए हेमंत, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से, एक और मामला यहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश में मामले हमने देखे और अब रायपुर से भी ये मामला उजागर हुआ है। यहाँ पर भी एक छात्रा को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। वो ब्लैकमेलिंग का काम करती थी। हनी ट्रैप का ये पूरा मामला है जिसमें एक और खुलासा हुआ है। लखनऊ में